हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे में होना भी चाहिए। तो आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? मैं गई थी अभी मार्केट, तो मार्केट गई थी मैं अपनी सासू माँ के लिए। उनको एक सिरप की ज़रूरत थी, तो वो सिरप मैं लेके आई थी। उनको खांसी रहती है, तो अक्सर सिरप पीती हैं खांसी का। तो कौन सा सिरप है वो मैं आपको भी दिखा दूँगी, बहुत अच्छा सिरप है और उसको आप पियेंगे तो बहुत जल्दी आपकी खांसी दूर हो जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा सिरप है। वो सिरप ये है, ऐसे देखिए ये सिरप। इसका नाम है कफ मेट। और इसका बस एक फ़ायदा है कि इसको अक्सर ऐसा होता है कि खांसी का सिरप पीने के बाद हम लोगों को थोड़ी नींद सी आने लगती है। उसमें थोड़ी दवा मिली होती है, अल्कोहल थोड़ी मात्रा में मिला होता है, तो उससे हमको नींद आने लगती है। लेकिन इस दवा से बिल्कुल नींद नहीं आती। इसको आप किसी भी टाइम कभी भी पी सकते हैं। ये इसका ऐसा रैपर था ऐसा, और ये बहुत सस्ती दवा है। ये यहाँ मैं यूपी से हूँ तो, और ये गवर्नमेंट की दवा है। गवर्नमेंट के उसमें गवर्नमेंट की एक शॉप होती है, वहाँ से लाए थे हम ये। तो ये बहुत अच्छी थी। ये सिर्फ 40 रुपये की दवा है और बहुत अच्छी है। इसको आप भी ट्राई करना। सब लोगों का अपना अपना अलग अलग फेथ होता है, और बात अच्छी महंगी दवाई और सस्ती दवाई की नहीं होती है। बात होती है आपको सूट करने के लिए कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। तो हमारी सासू माँ को ये सूट किया, तो आप भी देखिए ये दवा है। अगर आप कफ मेट नाम है इसका, अगर आप लेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। वैसे तो सबके यहाँ अपनी अपनी एक सिरप होता है, सभी लोग पीते हैं। तो आज मार्केट से तो मैं आ गई हूँ, और दिन में बनाया था मैंने चने और हलवा, और अब शाम को मैं बनाऊँगी सांभर। तो जो सांभर मैं बनाऊँगी तो आप भी देखना, बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को देखना ज़रूर, आप वीडियो हटाना मत प्लीज़। और वीडियो को आप देखना, तो सांभर जैसे बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। छोटा ही सा वीडियो है, आपको बोर नहीं करूँगी बिल्कुल, तो आप लोग देखना प्लीज़। तो और एक बात मैं भी बोलना चाहती थी कि 2 साल पहले मेरे ससुर जी थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से सासू माँ थोड़ा सा उदास रहती हैं, तो उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसा है कि जैसे कपल में से एक नहीं है, मम्मी है पापा नहीं है, या पापा है मम्मी नहीं है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि वो लोग लाइफ से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो लोग को ऐसा लगता है कि मेरी कोई केयर नहीं कर रहा है, या वो बात बात में गुस्सा भी करते हैं। तो उनकी फीलिंग को समझते हुए आप उन लोगों को एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, थोड़ा ज़्यादा प्यार करिए, तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, उन लोगों को लाइफ थोड़ी सही लगती है फिर। क्योंकि जीवन साथी के जाने से लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मतलब वही जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट वही होते हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि हम लोगों को भी मम्मी पहले जैसे रहती हैं, अब वो थोड़ा ज़्यादा उदास रहती हैं, होपलेस रहती हैं वो, तो हम लोगों को भी उनको ज़्यादा देखना पड़ता है कि मतलब उनको ऐसा ना लगे कि उन्होंने कुछ कहा और हम लोगों ने उनके लिए नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहती थी, मतलब जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उन्हें देखा है। तो आप लोग भी अपने घर में अगर कोई हो ऐसा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो या मम्मी पापा में ऐसे कोई जाए, तो लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा बैड लक है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, सास ससुर हो या मम्मी पापा हो, कि एक जोड़े में से एक के जाने के बाद दूसरा बहुत दुखी होता है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर करना आप लोग। ओके थैंक्स, आप लोग ने मेरी बात शायद समझी हो। तो अब मैं चलती हूँ अपना सांभर बनाने किचन की ओर, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखना। थैंक यू। बहुत आसानी से, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं सांभर। तो दोस्तों, इसके लिए मैं लाई हूँ सांभर बनाने के लिए, ये 150 ग्राम दाल है, और ये सांभर मसाला, और ये धनिया, ये लौकी, टमाटर, गोभी, और ये है प्याज, कुछ हरी मिर्चें, और ये है करी पत्ता। करी पत्ता तो मेन है, इसको डालने से स्वाद इसका बहुत ही बढ़ जाता है सांभर का। और ये है इमली, इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, इसी का फिर भिगो के इसको सांभर में डालेंगे, इसका पानी, इससे
खट्टी मीठी सांवर बनती है, बहुत ही टेस्टी बन जाती है सांवर इससे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सांवर और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और ये जो भी सब्जी है उसको अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी से डालेंगे, ऐसा नहीं है कि लौकी लाए हैं तो ये पूरी डालेंगे। तो जैसी जैसी क्वांटिटी होगी वैसा आपको हम लोग दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स ये सब्जियां कट करके रख ली हैं, यह टोमेटो अदरक को कस लिया है और हरी मिर्ची, इधर प्याज कट करके रख लिया है और ये लौकी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं और ये धनिया काट लिया है, मीठी नीम की पत्ती है, करी पत्ता और ये इमली अभी हमारी भीग रही है, इसी का गूदा निकाल के इसमें बाद में डालेंगे जब सांभर बन जाएगी। और ये कुकर में दाल डाल दी है, इसमें अभी और पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे और उसमें लौकी डाल देंगे। लौकी और दाल एक साथ पकाने के लिए रखने जा रहे हैं। तो मैंने लौकी के ये छोटे छोटे टुकड़े दाल में डाल के उबलने के लिए रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ाई में हम लोग ने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें अब राई डाल दे रहे हैं और राई जैसे ही थोड़ी सी भुन जाएगी फिर उसमें ये लाल मिर्च तोड़ तोड़ के डाल देंगे। लाल मिर्च पड़ चुकी है, अभी ऑयल में नमक डाल दी है, अदरक और हरी मिर्ची और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें प्याज कटा हुआ डाल देंगे। तो फ्रेंड्स प्याज हमारा थोड़ा भून गया है, हल्का हल्का रेडिश, ज़्यादा काला नहीं करना है। और अब इसके बाद हम लोगों ने जो टोमेटो कट करके रखे थे अब वो इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि हम लोग ने पहले हरी मिर्ची भी डाली थी। अंदर हमारी दाल और लौकी उबल रही है, उसमें हल्का सा नमक पड़ा हुआ है और हल्दी थोड़ी डाली हुई है और जैसे ही वो उबल के तैयार हो जाएगी तब हम लोग उसको इसमें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, प्याज टमाटर अदरक, और अब इसमें हम डाल रहे हैं सांवर मसाला। इसको डाल के थोड़ा सा घुमा लेंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये जो इमली भिगो के रखी थी इसका मैंने पल्प निकाल लिया है, इसको छान लिया है और वो भी अब इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर दिया है, जैसा खट्टा आपको खाना है उस हिसाब से आप पल्प को ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा खट्टा अच्छी लगती है सांभर तो आप ज्यादा पल्प ले लीजिए, हमने अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम लिया है। इसके बाद जो हमने दाल और लौकी उबाल के रखी थी, अरहर की दाल और लौकी, वो इसमें मिक्स कर देंगे। पूरी दाल अब मैंने इसमें डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये सारा मसाला और ये इसमें दाल में पूरा मिक्स हो गया है, अब ये कुछ इस तरह का हो गया है। थोड़ा सा मसाला हमने और ऊपर से डाल दिया है सांभर मसाला, इससे ये टेस्टी हो जाएगा। अब ये जो हरा धनिया काट के रखा था उसको हम लोग इससे गार्निश कर लेंगे, इसमें डाल देंगे
इससे बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है सांभर। कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं उस पर हम लोग हरा धनिया डाल देते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है, टेस्टी तो हो ही जाती है। अब इसे हम लोग थोड़ी देर 5-6 मिनट इसको ऐसे ही चलाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे, जिससे भी आप लोग खाना चाहें, चावल से, रोटी से, या इडली अगर आपने बनाई है तो आप इडली से भी खा सकते हैं, और डोसे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। डोसा और सांभर का ही साथ है, बट हम लोग ने डोसा और इडली नहीं बनाया, हम लोग आज से राइस से और रोटी से ही खाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी सांभर की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई होगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन आप लोग जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।